नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ही सटीक जानकारी लेकर आए हैं। हर कुंवारी लड़की का शादी से पहले ये एक सपना होता है कि हमें एक अच्छे ससुराल मिले, जहां हमें खूब सारा प्यार मिले और ससुराल में सभी व्यक्तियों का हमें प्यार और सम्मान मिले, सभी का आशीर्वाद मिले, सभी का साथ मिले और हमेशा ससुराल का जो वातावरण है, जो वहाँ का माहौल है, वो खुशहाल भरा रहे। यानी हर लड़की शादी से पहले यही चाहती है, यही भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे ससुराल अच्छी मिल जाए, मुझे ससुराल खुशहाल मिले, मुझे ससुराल में खूब प्यार मिले। यदि आप ऐसा चाहती हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही सटीक उपाय बताने वाला हूं। मेरी बहनों, यदि आप शादी से पहले, जब आपका रिश्ता हो जाए और शादी होने वाली है, तो आपको मेरा बताया हुआ उपाय करना होगा। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, यदि आपने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। उनको क्या करना है, एक सात हल्दी की गांठ लेनी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो लेकिन साबुत हो। एक पीतल का टुकड़ा लेना है और थोड़ा सा पुराना गुड़ लेना है। यदि कन्या इन तीनों चीजों को अपने भगवान से, जिसकी पूजा करती है, जिस देवी देवता की, या अपने इष्ट देवता से अपने ससुराल में खुशहाली पाने के लिए, खुशहाल ससुराल पाने के लिए प्रार्थना करने के बाद, कामना करने के बाद, यदि वो कन्या सात हल्दी की गांठ, पीतल का टुकड़ा और पुराना गुड़ थोड़ा सा लेकर अपने ससुराल की तरफ फेंक दे अंटो चुपचाप, तो उस कन्या को, उस कुंवारी लड़की को ससुराल बहुत ही खुशहाल मिलती है, बहुत ही सारा प्यार मिलता है और वहां उसको जीवन भर सम्मान मिलता है और हर खुशी उस घर में उस लड़की को प्राप्त होती है। इसमें तुम्हारा कोई बड़ा खर्चा नहीं है, इसमें मैंने आपको बहुत बड़ा कार्य नहीं बता दिया जो आप नहीं कर पाओगी। मैं चाहता हूं कि हर बहन बेटी सुखी रहे और मेरे छोटे छोटे उपायों को करके यदि कोई बहन बेटी सुखी रहेगी तो हमें भी बहुत खुशी होगी। और मैं साथ ही साथ उन बहन बेटियों के लिए कामना भी करूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, यदि मेरे बताए हुए इस उपाय को वो करेंगे, उनकी सभी कामनाओं को संपूर्ण करे और उनको मन चाहे ससुराल मिले और ससुराल में बहुत सारा प्यार और मान सम्मान मिले। तो मेरी माता बहनों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।